किसान भाइयों, मैं आज निलोहा में ओम प्रकाश प्रधान जी के यहाँ हूँ और ये उनके पौत्र हैं। आपका नाम की? निक्की जी। निक्की निलोहा मावना मेरा निलोहा। तो साहब नमस्कार। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम जी? विनोद कुमार। विनोद कुमार, गांव निलोहा जी। आपसे परिचय हो गया जी। तो ये जोंडियर 5039, ये कितने एचपी का? 39 HP में जी। अच्छा अच्छा, कब लिया था, कौन सा मॉडल है? ये 17 मॉडल है जी। नवा लिया था जी, यहाँ से मेरठ से। मेरठ से जी। तो कितने का पड़ गया था ये? 5,25,000 में कंप्लीट। इससे पहले कौन सा रखा? मैसी जी। मैसी कौन सा? 10/41 भी था, 10/35 दोनों ही थे जी। तो उनसे कैसा जी, ये अच्छे लगे? ये अच्छा लगा। अच्छा है जी, बहुत ज़्यादा है। मैसी बुराई कर रहे, तुम तो मैसी वाले ही खड़े नहीं जी, कोई देख लो इधर हंस रहे सारे मैसी वाले। अच्छा अच्छा अच्छा, मैसी में कमी थी? नहीं कुछ भी नहीं। अच्छा, बस उनसे जोर जार ज्यादा लगा ले जी, थोड़ा पक्का सा भी है। अच्छा, 41 तो 42 HP का मैसी। हाँ जी। और जो उससे कम है? हाँ जी। तो जो बढ़िया था और बढ़िया 41 अभी बेचा हमने 15-1 दिन पहले, उसे हर काम में रगड़ लेता है। रगड़ देता? हाँ जी, तेल खर्चे में भी हर काम में, इसी मारो बेचा। अच्छा, फिर ला रहे जोंडियर? दूसरा भी जोंडियर लाऊंगे। क्या बेच के? दूसरा नहीं, दूसरा अलग है। इन गांव वालों को तुम वैसे बिकवाओगे सबको? नहीं जो किसी के नहीं। हाँ, दो ट्रैक्टर खद्दर में भी जोंडियर ही है। हाँ जी, ताऊ जी का फार्म। उस कंपनी वाले मंदे दे रहे थे? मैं ना मंदे भी ना देते जी, 10-20 हज़ार रुपये कम करते चलो जा, बस चीज़ बढ़िया है। चीज़ बढ़िया है। तो शायद कुछ लोग बुराई करते हैं कि जोंडियर डीजल ज़्यादा खावे, इस बार नहीं जी, डीजल ज़्यादा नहीं लेता, बिल्कुल भी नॉर्मल ले। 241 से कम ले हुआ है, 39 पावर में काम उससे ज़्यादा करा है जी। रोटावेटर 6 फुटा? रोटावेटर 7 फुटा खींचा है जी, वो रखा जी, रोटावेटर रखा है। अभी दिखाऊंगे। तो भाइयों, कमाल कर दिया इन्होंने तो, सारे तार दी मैसी वालों की। तो एक बार सेल्फ मार दी जरा, क्या शानदार आवाज है भाई। वाह, देख भाइयों, पावर स्टेयरिंग में है और टायर 13 के जी। अच्छा अच्छा अच्छा, जैसे तुम चला रहे हो हाइड्रोलिक वगैरह, कुछ कमी हो लिफ्ट कुछ वगैरह? कोई कमी नहीं जी। जैसे यहाँ बैठो तो ये तो अढ़ाई टंकी से इससे दिक्कत नहीं पड़ती? इससे ज़्यादा दिक्कत ना, पीछे को पैर करके बैठ जाए, मतलब बुराई नहीं करेंगे भाई। ये बढ़िया ट्रैक्टर है, जबरदस्त बम्फर है ट्रैक्टर का। तो ये 3 सिलेंडर में 4 में? 3। ये तो सारी 3 मावे हैं जी। हाँ जी, 3 में आ रहा है, 50 HP तक। साइड शिफ्ट गियर है भाइयों। और जी कई कृषि यंत्र हैं इनके पास, इनके अपने एक एक 2020 मॉडल भैंस भी है, झोटकी भी है जी, दो दांत 20 मॉडल। हाँ जी, अभी दिखाऊंगे सही भाइयों। ये इनकी ट्रॉली है, बड़ी तकड़ी है। तो 17.5 क्विंटल की, मतलब इतनी भारी लेके गांडे कहाँ तुलता हूँ फिर? गांडे में तुल जा। अच्छा, उसमें चल जाओ। और भाइयों, ये है कि इनका पलटा क्या बोल रहे हैं इसे? जी, झब्बा कूड़ी का खाद बनने खतर मट्टी। अच्छा, एक बात बताओ, यो बढ़िया रहा है या वो बढ़िया रहा है, वो हाइड्रोलिक वाला? हाइड्रोलिक का ये जी, अभी वो प्रेशर का हो दूसरा। अच्छा, वो प्रेशर वाला, बस वो महंगा है, वो उनके खतर अच्छा जो रोज काम। जैसे ऊंची ट्रॉली पे ऊपर लो भर देगा? हाँ जी, इससे 10 फुट ऊंचा भी उठ जा ट्रॉली से भी। अच्छा, मुझे एक मना कर रहा था। तो खाद भरने में बढ़िया? हाँ जी। कितनी देर में भर दे इतनी बड़ी ट्रॉली? 20-22 मिनट में जी, अगर जगह ट्रैक्टर को घूमने की सही मिल रही है तो बढ़िया, इसका मतलब। हाँ जी। और किसान भाइयों, ये इनका वो है, क्या बोल रहे हैं इसे जी? पलाऊ। पलाऊ। और ये इनका इंक जोतने का है, कंटीमीटर। हाँ, ये वैसा मांझा। हाँ, ये खड़की बोरी ड्राम वगैरह लाने का जुगाड़ है। हाँ, क्या बोल रहे हैं इसे? और ये पानी की टंकी, वो स्प्रे मशीन। और एक बहुत बढ़िया चीज़ है भाइयों, ट्रॉली भरने का जुगाड़, यो सीढ़ी। हाँ जी, ट्रॉली बनने का जिन्ना। हाँ जी, जो ऐसा लगेगा चपकी। ये बढ़िया है, बहुत बढ़िया। इसे वजन कितना होगा इसमें? ये 70 क्विंटल तक गन्ने को भरवा दे इसमें, 70-75 वजन भी कम दिखे इसमें तो। 25 किलो जी मार। अच्छा, हमने बनवा ली वो थारी देख के, वो होगी 3 फुट चौड़ी, उसमें हो गया 65 किलो वजन, ज़्यादा भारी होगी। अच्छा, यहाँ लगाते हो इसे? हाँ जी, ऐसे लगा। अच्छा, अगर रपट जाए तो छोटी तोड़ देगी? नहीं जी, रपटता नहीं जी, खेत में धरती में धस जाओ। अच्छा, फिर कोई दिक्कत नहीं? जैसे चौड़ाई कम है डगमगा तो नहीं?
हमने 3 फुट चौड़ी करवा दी, हमने गलती कर दी, यहाँ तक कर दी हमने, फिर वो वजन बढ़ गया, वजन बढ़ गया 65 किलो के हो गए, ये सही है, नहीं इतनी होनी चाहिए हल्की कायदे में। तो किसान भाइयों अब वो जमाना गया जब झोटा बुग्गी ले जाते खेत में, बुग्गी वहाँ ईख में बढ़े थे सारे पोगे टूट जाते, अब तो ट्रॉली बैक करो और अपना सीढ़ी लगा दो और अपना काम कर लो, फेंक लिया बुग्गी उधर के। और भाई एक बुग्गी की है उडलने वाली 6 क्विंटल वजन, ये बढ़िया तो मुझे लगे 3 पीढ़ी तार देगी, चादर तो कड़े ना इसकी 100 साल की गारंटी दी थी बनाने वाले ने चादर की, तो उसकी क्या गारंटी, तो थारे पैसे नहीं दी गारंटी, तो जमुनानगर से जी, तो ये दिखे मुझे लगे 2 फुट मोटी, हाँ जी बहुत कड़ा की है जी, कड़ा भाई ये बहुत जबरदस्त है, 6 क्विंटल भाई। अब इनकी भैंस दिखाते हैं हम, ये अंदर तो होगी। किसान भाइयों ये इनका कटड़ा है, 2.5 साल का, 2.5 साल का है, तो आँख से कट है, ठीक है वैसे जी, ठीक है। ऐसा कौन सी नस्ल है, मुर्रा बाहुबली का धरवाया था जी, अरे वाह ये तो ऐसे ही है बिल्कुल बाहुबली का सीमा। अच्छा वे जो छोटे ने वे नेस्तीसी में रहे, वे टक्कर नहीं मारते, इनके लवारे साले छाने को तैयार रहे मालिक को, हाँ जी क्या चक्कर है, कोई है कोई दवाई ऐसी उनके पास, ये बिकाऊ फिर डॉ, हाँ जी तो क्या मांग रहे इसका, जी इसका 50,000 रुपये। अच्छा मेरी वीडियो में जितने भी कर रहे सबके 50,000 का रेट है, पता नहीं क्या बात सभी का एक रेट, हाँ कल मैं वहाँ थाई गया हरिंदर जी का, वहाँ भी 50 ही मांगे इन्होंने। अच्छा ये भैंस कौन सी नस्ल है जी, जी हरियाणा से भैंस करनी चाहिए थी, इसका पता नहीं कौन सी नस्ल है, भैंस है वैसे, भैंस है 14 किलो दूध बना, 14 किलो बढ़िया है, तो और क्या इसे इस बेच रहे भैंस को, नहीं ये है पहलवान, 2 दांत है जी, 15 किलो दूध है इसका नीचे, कितने की पड़ गई है, 1,20,000 की, 1,20,000 में भाइयों बहुत सुंदर कटिया है, 15 किलो दूध है जी, 15 किलो दूध है, बताइए बेचोगे तो नहीं है, नहीं जी बेचनी नहीं है, सिर्फ आपको बता रहे हैं कि 1,20 में इतनी सुंदर कटिया मिल सकती है भाइयों। इसकी नस्ल देखिए आप, मुर्रा नस्ल है जी, मुर्रा नस्ल है खुंडी बिल्कुल। अच्छा लाए कहाँ से थे, ये जी रोहतक, रोहतक कौन सी डेयरी थी, किसान के यहाँ से, कितने दिन की भी आई है, ये जी 1 महीना 10 दिन की, अच्छा चलो कोई बात नहीं। अच्छा ये फ्रीजन, ये फ्रीजन गाय है जी, ये घर की, ये कितना दूध दे रही, ये दे दी फिलहाल तो जी 14 किलो, लेकिन जब लैंड होगा 18 किलो तक बहुत दूध दे देगा, हाँ जी। ये इसका लवारा हो गया पर है, हाँ जी वो भी इसका लवारा हो गया, हाँ जी उसे दूध पिया तो उतनी प्यारे तुम, नहीं जी दूध पी रहा है, इसको थोड़ा बीमार चल रहा था, है जी। भाइयों आपने पशु तो देख लिए, अब ये देख लो शक्तिवान का रोटावेटर, देख लो शीशे में खड़ा कर रखा तो मट्टी में दाब रखा है, क्या कर रखा कभी। तो दोस्तों ये इनका अपना घर है, और देखिए काफ़ी भाई यहाँ इकट्ठे हैं, किसान भाइयों बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है हाय छोटे हीरो, लड़का लड़की, लड़का लड़का, ये बड़ा भाई है, बड़ा है ये बड़ा है छोटा है, भाइयों नमस्कार।